डबवाली विधानसभा के अंदर 8-10 जगह पर गांव में दौरा है और वहां पर कुछ लोग जो इनेलो छोड़कर या जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थापने गए, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं और कुछ जगह पर विधिवत उद्घाटन, कुछ योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो पूरी हुई हैं उनके कुछ जगहों का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, चाहे जल संरक्षण की बात हो या पौधारोपण की बात हो, इसके लिए देश की सरकार, प्रदेश की सरकार तो प्रयासरत है ही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी मन की बात में या सांसदों की मीटिंग में हर तरीके से लोगों को आह्वान करने का काम किया, लेकिन हम सब सामाजिक लोगों का भी दायित्व है कि इस समस्या से, जो कि एक विकट समस्या है, चाहे पर्यावरण की समस्या हो चाहे जल संरक्षण की समस्या हो, हमारे आने वाले फ्यूचर पर, आने वाली जनरेशन पर प्रभाव डालेगी, तो इसलिए हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, हर किसी जात बिरादरी सभी चीज़ें क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों को आह्वान भी कर रहे हैं और आज भी जगह जगह पर जाकर वृक्षारोपण भी करेंगे। पंचवटी जो 5 पेड़ों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया उसे भी लगवाने का काम करें। देखिए, मानना क्या, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में अब की बार 75 पार की बात जो करी है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर मैं घूम रहा हूँ, कल भिवानी में था, पीछे रोहतक में था, कल भी रोहतक में रहूँगा, आज सिरसा में हूँ, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक सुनामी सी आई हुई है और ये आंकड़ा इतना बड़ा होगा कि आज तक भी किसी अकेले राजनीतिक दल ने हरियाणा के अंदर इतना बड़ा बहुमत नहीं लिया होगा और ये इससे कहीं ज़्यादा होगा। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के कमोवेश में है, इस तरह कितनी चुनौती मानते हैं, चाहे कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियों को, भाजपा? देखिए, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, ये सब अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आधार नहीं बचा हुआ, कोई नियत ना नीति है, कोई बेमेल का गठबंधन करने की बात करते हैं, कोई पार्टी छोड़ने की बात करता है। और आपने देखा कि किस तरीके से इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस के लोगों का तांता लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो आप ही बता सकते हैं इनके पास क्या बचा है, कुछ नहीं। जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सके, चुनाव वो हार गए, तो लोगों ने इनको नकार दिया है, इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। एक दुष्यंत राय, आप उद्योग मंत्री हैं, निजी क्षेत्र में 75% हरियाणा के युवाओं की भागीदारी की बात की है, क्योंकि आंदोलन भी हम चलाएंगे इसके लिए अगर नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना, चाहे वो टीचर भर्ती घोटाले में अंदर हों, इस तरीके की भाषा वही लोग कर सकते हैं जो कि एक ईमानदार, कर्मठ और मेहनती बच्चों का हक मारकर किसी और को देने की बात जो करते हैं। वरना यहाँ पर चाहे सरकारी नौकरियाँ हों चाहे प्राइवेट नौकरियाँ हों, बिल्कुल पारदर्शिता के तहत जो काबिल होगा उसे उस पद पर रखा जाएगा। इसी तरीके की प्रक्रियाओं का चयन हर जगह होना चाहिए। ये कोटा परमिट सिस्टम या सिर्फ नेताओं के हाथ में कि इसको लगा दिया उसको हटा दिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एसओए लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितनी उम्मीद है, कब तक, किस तरह? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखते हैं क्या होता है। सब लोग उसे, सरकार के लोग भी और सभी उसे इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे जल्दी से जल्दी।